हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एक हाई कोर्ट के कमीशन के क्याम के लिए मैंने किया है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए। अगर किसी का भी कोई इसमें कसूर है, जिनका भी, वो कौम के सामने आए, मुझे इसका जिम्मेदार ठहराया जाता तो एक सेकंड से पहले मैं आवाम की अदालत में भा दूंगा, इस्तीफा दूंगा और जो भी तहकीकती रिपोर्ट में तजवीज किया जाएगा मैं उसको मनमान कबूल करूँगा। रिपोर्ट जो है ये इसमें किसी हुकूमती पर्सनैलिटी को जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। वो मामला जो कि शुरू हुआ था 2014 में, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका और जून में जो हलाकतें लाहौर में हुई मॉडल टाउन, उसका लगता है कि अब हिसाब करने का वक्त आ गया है। जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और पंजाब हुकूमत ने जारी की है, गो कि उस पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी मुस्तकिल अपने शकूक और शुबहात का इज़हार कर रहे हैं, उसके बावजूद कल उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी। और इस रिपोर्ट के अंदर, अभी आप वज़ीर क़ानून को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं हुई, जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस रिपोर्ट के अंदर साफ ये कहा गया था कि उस वक्त के वज़ीर क़ानून की सरबराही में दहशतनाक हलाकतों पर मुंतज होने वाले ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया जिनसे बासानी बचा जा सकता था। ये जस्टिस बाकिर नजवी की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया। इसमें जो और अहम मंदरजात हैं वो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। मसलन इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मिनहाजुल कुरान के इर्द गिर्द तजावजात थी, उनको ख़त्म करने की रिपोर्ट पेश की गई। ताहिरुल कादरी साहब ने उससे पहले 23 जून 2014 को रावलपिंडी ता लाहौर लॉन्ग मार्च का कहा था। राना सनाउल्ला साहब ने उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब को कहा कि मकासद हासिल नहीं होने देंगे। इजलास में फौरी कार्रवाई का फैसला किया गया और इस इजलास में मज़े की बात यह है कि वज़ीर आला शरीक नहीं थे, लेकिन उनकी तरफ से उनके सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह साहब शरीक हुए थे। इजलास में डॉक्टर तौकीर शाह ने बैरियर हटाने पर रजामंदी इजहार जाहिर की, यानी सिर्फ जो बैरियर हटाने का ऑपरेशन था उस पर उन्होंने तजावजात को ख़त्म करने की रजामंदी इजहार की जाहिर की। ऑपरेशन के फैसले पर एडवोकेट जनरल पंजाब से कानूनी राय नहीं ली गई। उस वक्त जो ऑपरेशन था उस पर जो कानूनी राय लेनी थी वो भी नहीं ली गई। और इजलास के शुरका लाहौर हाई कोर्ट के 2011 के फैसले से आगा थे, यानी उनको उस फैसले के तनाजुर में इसको करने की बात की गई, लेकिन कोई सेकेंड ओपिनियन जो सेक्रेटरी लॉ थे उनसे नहीं लिया गया। वज़ीर आला के सेक्रेटरी ने कहा कि पुलिस को हटाने का हुक्म कानून ने दिया, यानी तौकीर शाह की स्टेटमेंट है कि वज़ीर कानून ने कहा कि इसको हटाया जाए, वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि पुलिस को फौरी तौर पर वहां से हटा दिया जाए, यानी बाद में पुलिस को हटाने के लिए वज़ीर आला ने हुक्म दिया। वज़ीर आला ने टीवी देखने के बाद अपने सेक्रेटरी तौकीर शाह को फ़ोन किया। वज़ीर आला पंजाब का हलफनामा है कि उन्हें 17 जून को सुबह टीवी से पता चला, यानी वो वज़ीर आला जिनकी पंजाब स्पीड पूरी दुनिया में मशहूर है, वो इतने से ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनको जो उनके अपने शहर के अंदर पंजाब के दारुल हुकूमत के अंदर जो है वो 14 बंदे मारे गए और उनको अगले दिन सुबह पता चला, तो टीवी देख के वो भी, और जबकि हम इसके ऊपर जो है वो एक कमीशन बनाएंगे और इसके ऊपर रिपोर्ट जो है जुडिशल कमीशन जिसपे आप अभी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं मुस्ताफी भी होने को तैयार हूँ अगर मेरा उसके अंदर कुछ भी सामने आता है। इस पर मुख्तलिफ चीज़ें, मसलन रिपोर्ट में कहा गया कि गैर मुसल्ला लोगों के खिलाफ पुलिस का रवैया गैर संजीदा, सच को छुपाया गया, ट्रिब्यूनल को सानिया की तह तक पहुंचने के लिए मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए गए, मुस्तकबिल में मजिस्ट्रेट के बगैर पुलिस गोली चलाने का हुक्म न दे, ये भी कहा गया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत का ये इकदाम भी बदनीयती का मजहर है कि इसने पंजाब ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस के तहत इस ट्रिब्यूनल को इख्तियार नहीं दिया कि अपने सामने आने वाले किसी भी मामले की तह। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि अगर वज़ीर कानून की सरबराही में दहशतनाक हलाकतों पर मुंतज होने वाले इस ऑपरेशन का जो मंसूबा बनाया गया इसे बासानी बचा जा सकता,
वो जी आयद नहीं की गई, तो इस रिपोर्ट के अंदर तो पूरी जिम्मेदारी आयद कर दी गई है वजीर कानून के ऊपर। हाँ अलबत्ता वजीर आला का जाहिर है कि इसके अंदर नाम नहीं, क्योंकि उनके सेक्रेटरी तौकीर शाह वहाँ पे मौजूद थे, लिहाजा उनकी बचत तो इसमें नज़र आती है। मगर अब जो सूरत हाल है, हमीदुद्दीन सियालवी साहब जो कि नून लीग के ही अहम रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि उनका आज से ताल्लुक ना समझा जाए नून के साथ। राना सनाउल्लाह का जो मुतालबा है इस्तीफे का, वो जोर पकड़ गया है। तायुल कादरी साहब ने कंटेनर को तैयार रहने का कह दिया है। दूसरी तरफ जरदारी साहब ने भी कल इशारा दिया है कि वक्त से पहले इंतखाबात हो सकते हैं। सो पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है वो भी ऑन बोर्ड नजर आ रही है। चीजें किस तरफ जा रही हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है। और आज मियां साहब ने कहा कि अफरा तफरी और जो हालात खराब करने का की कोशिश की जा रही है, इस पर जरूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत, और कल जलसा जबरदस्त इन्होंने किया है कल का, इस पर भी जरूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब शफकत महमूद साहब लाहौर से, मरकजी सेक्रेटरी इतलात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, रुकने कौमी असम्बली, खुद इनका मॉडल टाउन हल्का है। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मॉडल टाउन ही लगता है कि इंतखाब है हल्के का। ज़ैम कादरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से हमारे स्टूडियो से। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैम कादरी साहब आपका भी, और खुरम नवाज गंडापुर भी हमें थोड़ी देर में टेलीफोन पे। जो पहले चांडियो साहब, ये जो रिपोर्ट आ गई, इस रिपोर्ट से आपको क्या लगता है कि ये मामला अब सुलझने वाला नहीं, बल्कि बड़े मियां के बाद अब की बारी आ गई? मैं पहले तो अल्लाह ताला से दुआगू हूँ कि इस मुल्क को जितने बहरानों से बचा सके वो करम नवाजी अभी इस मुल्क के लोगों पर होनी चाहिए। हर दिन एक नया बहरान जन्म ले रहा है। अब ये रिपोर्ट के मुतालिक है, रिपोर्ट 3-4 साल पुरानी है। अगर जैसे हुकूमत के लोग कह रहे हैं, सूबाई हुकूमत के, कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो चार जरूरत क्या थी पहले जाहिर कर देते। दूसरी बात, सनाउल्लाह साहब जो है हमारे राणा साहब, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं थी, आई भी नहीं थी। इस रिपोर्ट में कुछ नुकात हैं जिनसे फिरके वारियत, मुझे पहली बात तो समझ में नहीं आई। एक जज रिपोर्ट कर लिख रहा है, उस पर फिरके वारियत का इल्ज़ाम लगाएंगे, और सूबाई जिम्मेदार वजीर वो अगर कहे कि फिरके वारियत, ये तो बदकिस्मती इस मुल्क की। 3-4 अहम सवाल है, नहीं है तो क्यों छुपाया, आपको क्यों पता चला, और ये इशारा आप किसकी तरफ करें कि फिरके वारियत की बात है, तो फिर तो इसके पीछे और लोग पड़ जाएंगे। मेरा ख्याल है अब इस पर दो राय नहीं है। बहुत अच्छे सामने बैठे हैं मुस्लिम लीग के रहनुमा कादरी साहब, मेरे भाई हैं। पार्टी अभी और हुकूमत सियासी बकरों की कुर्बानियों वाले बकरियों की पार्टी हो गई है। इस मामले में भी किसी न किसी सियासी बकरे की कुर्बानी इनको देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे दी, फेडरल गवर्नमेंट ने वजीर कानून को कुर्बानी का बकरा बनाया, गो के उनका कुछ कहा जाता है कि नहीं था। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे जी परवेज रशीद साहब को कहा, बनाया पहले भी बनाया मुशाहिदुल्लाह साहब जैसे इंसान को, फिर वो बनाया वो लावारिस सेनेटर मुंतखब होकर आया था हाशमी साहब। हाशमी से ज्यादा गालियां मुस्लिम लीग के दूसरे रहनुमाओं ने दी हैं, लेकिन वो वारसों वाले थे, उनको कुछ नहीं किया। निहाल हाशमी कराची का लावारिस था, उसको देरी ना की। तो मैं कह रहा हूँ ये दिन ब दिन अब भले, पर कितना अरसा इकदार चाहिए? 3 बार वजीर जमिया साहब रहे हैं, मैं कि उनकी टेन्योर है ना, वो कहते हैं जी पूरी करेंगे, हम उसके मुखालिफ नहीं, हम उसके मुखालिफ, पर बीबी गसीद बख्तियार पूरा क्या है? आप ये धरना नहीं खाली करवा सकते, चौक खाली नहीं करवा सकते, अदालतों के सामने बाहर खड़े हैं, शिकायतें आप कर रहे हैं, हमारे कोई सुनता नहीं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, जी। दो बातें बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही। शफकत साहब आपको क्या लगता है कि यानी ये जो मुतालबा आप कह रहे हैं फौरी इंतखाबात का, वो एक वाहिद हल है या इसके अलावा? क्योंकि देखिए 5 साल की मुद्दत तो वो लेके आए हैं, आपको लगता है कि 5 साल या सेनेट के इलेक्शन तक तो इतना बिगाड़ हो जाएगा, जो मियाँ साहब आज खुद निशानदेही कर रहे हैं कि भाई अफरा तफरी की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है सर, ये तो मामला बिगड़ेंगे और मजीद बिगड़ेंगे? देखें मियाँ साहब का तो आजकल एक ही मंत्र है कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, वो अब जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिक्टेटर कह रहे हैं। अब मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता
कि उनकी तो वो तो गॉन केस है। गॉन केस से मतलब यह है कि उनको ना परवाह है आईन की, ना परवाह है किसी कानून की, वो तो क्योंकि मुझे क्यों नहीं, हर कोई बुरा है हर कोई अच्छा है। बाकी रह गया मामला कि हुकूमत तो अब ना होने के बराबर है ना, और आपको नजर आ रहा है कि कोई भी चीज हैंडल नहीं कर सकते, कोई भी सिलसिला नहीं है इनका। लेकिन ये जो आपने शुरू में सवाल किया था उसमें एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारी रिपोर्ट पढ़ी हो जी। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है जस्टिस नजफी। जस्टिस नजफी की रिपोर्ट जो है वो इतना सीरियस चार्ज है इन लोगों पे, और उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ताने बाने जोड़ने पड़ते हैं। मसलन ये जो तजावजात मुजवजा तजावजात हटाई जा रही थी, ये तो कई सालों से थी, और उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया होता कि उनको उनको ये रुकावटें रखने की इजाजत है। तो अगर उनको रुकावटें रखने की इजाजत हाई कोर्ट, वो सडनली ख्याल क्यों आया कि इनको निकालना है? मेरा ख्याल है कि ये एक बहाना था। इसके इस रिपोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट लगी हुई है स्पेशल ब्रांच की। उस वो रिपोर्ट ये कहती है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ये कहती है कि चौधरी शुजात और तारुल कादरी की मुलाकात हो गई है, और ये हुकूमत हटाओ तहरीक शुरू करने लगे हैं और ये मार्च करने लगे हैं। तो ये तजावजात का बहाना बनाया गया वहां पे जाके इनको प्रोवोक करने ये, का। ये दुरुस्त नहीं है सर, ये दुरुस्त। पहले फायर जो था वो ऊपर से आया, गो के रिपोर्ट के अंदर इसका कोई तस्करा मौजूद नहीं। इसके बारे में भी सुन लें, इसके बारे में भी सुन लें। वहां पे इसी रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट है, उसमें एक रिपोर्ट आई एस आई की भी है। आई एस आई कहती है कि उनके पास ऊपर से फायर आया या किसी और ने फायर किया। मुझे आप बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर जुलूस निकलते हैं और अगर वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते हलाकते हो तो उनको गोलियां नहीं देते उनको, बल्कि अच्छा नहीं इशफ का साहब आप कह रहे हैं कि कई रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट में ये नहीं है कि पहले से पहले फायर ऊपर से आ रहा उसके बाद। लेकिन ज़ैम कादिर साहब आप कल आ रहा हूँ, आईएसआई की जो रिपोर्ट साथ लगी हुई है उसमें उन्होंने आईएसआई ने कहा है कि जी हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि अंदर से फायर किया गया। अच्छा ज़ैम कादिर साहब बाकी रिपोर्ट में क्या कहते हैं? औरतों के ऊपर डायरेक्ट, अच्छा एक और चीज, एक और सॉरी एक और, वो तो अटैक हुआ फायर हुआ, उन्होंने उन्होंने कहा कि एम करके यानी कि निशाना लेके मारा गया, कोई हवाई फायर नहीं किए, डायरेक्ट फायर किए। और ये जो फिरका वारियत की बात करते हैं वो एक ट्रिब्यूनल था, उसने जो कुछ सुना उसने वो रिपोर्ट किया। अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो तो उन्होंने तो लोगों को बड़ी बड़ी अजीब बातें की, जब जो लोग औरतों को मार भी रहे थे साथ उनको पुलिस वाले जो कह रहे थे जिस तरह के नारे लगा रहे थे वो खास करके, बिल्कुल वो तो इसके अंदर है ज़ैम कादिर साहब, ये तो एक बड़ा मामला बन गया। आखिरी बात सर, बुरा नाम शफकत महमूद साहब बस कर देना अब। अगर एक आखिरी बात, चीफ मिनिस्टर साहब इस जाए वकुआ से, चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो कोई आधे मील से ज्यादा क्रो फ्लाइट नहीं है, और वो चीफ मिनिस्टर जो आपने जैसे आपने कहा कि हर चीज में बड़ी फुर्ती है, उनको पता ही नहीं है कि वहां तमाशा हो रहा है, उनको पता ही नहीं है वहां गोलियां चल रही हैं। अच्छा, मैं अब जवाब, बिल्कुल शफकत साहब ये तो सारे अहम सवाल हैं और ये इन्हीं को एड्रेस भी किया इस रिपोर्ट में ज़ैम कादिर साहब। आप बताइए आई एस आई ये कह रही है ऊपर से, आई बी ने क्या कहा इसके ऊपर, बाकी जो एजेंसियां थी वो क्या कहती हैं कि पहले ऊपर से फायर आया या नहीं आया? देखें, अगर शफकत महमूद साहब को बुरा ना लगे, आजकल इनको पता नहीं क्या है तो बड़ा परेशान हूँ, ये किसी को बोलने नहीं देते आजकल, मेरे वाली आदत अपना ली इन्होंने, बड़ी बुरी बात है। अर्ज ये है, देखें अगर मैं इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहूँगा तो आप मुझे समाखराशि का मौका देंगे जी। एक तो चांडियो साहब ने फरमाया कि इनको इस रिपोर्ट को पहले क्यों शाया नहीं किया गया, उसके लिए हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि एक तो इसमें यकीनन मजहबी मुनाफरत की कोई बात थी जिसको हम नहीं कि वो मजहबी मुनाफरत फैले और ये जुमले जो हैं वो आवाम में जाएं कि ये वहाँ इस्तेमाल हुए। दूसरी बात हमारी बहुत इम्पोर्टेंट जो थी वो ये थी कि इस केस के साथ ही जब ये केस हमने इस कमीशन इंश्योर किया कि ये बने, तो ताहिरुल कादरी साहब की जमात ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, और वो शवाहिद जो जो इल्ज़ाम लगे मुदई होते हैं उन्होंने देने होते हैं और उन पर जिरह होनी होती है, और उस झूठ और सच का पता लगना होता है कि जो मुदई कह रहा है क्या सच्चाई है और उसका इम्पैक्ट मुलजमों पर क्या होना है, नहीं हो पाएगा।
इसलिए हमने एक नई जीआईटी तश्कील दी, उसमें इन तमाम इदारों के लोग मौजूद थे जिनको आप देख लें तो उनकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, वो जीआईटी मंजर आम पर भी है और जीआईटी को हमने कोर्ट में भी उस जीआईटी ने तकरीबन 9 लोगों को इसमें जिम्मेदार ठहराया जिसको हमने गिरफ्तार किया और फिर इन ड्यू कोर्स आखिरी आदमी की बेल कोई ढाई साल बाद सुप्रीम कोर्ट से कर दी। ये अभी तक नहीं चला कि ऑर्डर्स किसने, ये नहीं लिखा हुआ कि ऑर्डर्स किसने दिए थे फाइल खोलने के, सर ऑर्डर्स का कोई नहीं लिखा हुआ, ये तो पता कराए किसने ऑर्डर किया था। बीबी ये भी रिपोर्ट में कोई है कि जी कोई बांधने के लिए तैयार ही नहीं है ऑर्डर लो। अब ये शफकत महमूद साहब से सवाल हुआ या मुझसे हुआ, यार शफकत साहब इस तरह ना करें, मैं इस काम का मास्टर हूँ, मैं आपको कर बात नहीं करने दूंगा फिर। लेट्स बी वेरी सीरियस अबाउट नहीं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि इसका रिपोर्ट के अंदर ये बात जिक्र हुई है कि नहीं पता कोई इंपॉर्टेंट है ना भाई। बीबी मेरा जवाब ना माने कोई, मैंने किसी तो मैंने तो अपनी बात कर रही है ना, मानना तो मानना पब्लिक का काम है, कर ले नहीं है मैं करूंगा। अर्ज ये है कि जिस आप बात करिए, जब मैजिस्ट्रेटी निजाम था तो मैजिस्ट्रेसी निजाम में ये था कि मैजिस्ट्रेट के हुक्म पर गोली चलती थी, जब पुलिस को ये पावर्स दे दी गई डेवोल्यूशन प्लान के जरिए तो जो सीनियर ऑफिसर होता है वो लाजमी तौर पर इसकी इजाजत देता है, जब वो ये समझता है कि अब फायर या जो भी ईंटे या जो भी लड़ाई है वो इस हद तक बढ़ गई है कि पुलिस जो है वो अब या तो इसको फायर करके अपने आप को बचाए तो वो स्ट्रेट फायर करे, वो सीनियर पुलिस ऑफिसर कौन था ये भी तो बता दे, वो कौन ऑफिसर ही होता है। जेआईटी ने वहां पे मौजूद बाकायदा मुलजिम ठहराया, उन्होंने जाकर बताया कि ये कानून है, इस कानून के मुताबिक हम पर ये हो रहा था, 38 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे, हमने फायर किया और उनकी बेल्स हो गई सबकी। मैंने बेल्स नहीं की, बीबी हाई कोर्ट ने की है। अब ये कानून का मसला है, मैंने वाजे तौर पे अर्ज कर दिया। फिर एक सवाल उठा यहाँ कि जी जो रिपोर्ट आपने शाया क्यों नहीं की, हम तो ये कह रहे थे कि जब जेआईटी आ गई तो जब दो रिपोर्ट्स इन फैशन इन वोग हो जाए में ये उन लोगों को अहले बाय मिले, और ताहिरुल कादरी साहब ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो इसको डिले कर रहा हूं कि अगली हुकूमत आएगी, यानी कि अगली हुकूमत आएगी तो फिर उनकी मर्जी का फैसला हो जाएगा, फबेहा हम हाजिर हैं। हमने फैसला नहीं करना, कोर्ट्स में फैसला चल रहा है, और शफकत महमूद साहब को बहुत एतराज है कि ये रिपोर्ट में हमें उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है जिसके बारे में खोलने वालों ने ये लिख दिया है कि इस रिपोर्ट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इस केस में, तो उसके बाद अगर ये चाहते हैं वैसे, तो वैसे मैं इस रिपोर्ट से हटके पार्टी बन जाए, इस रिपोर्ट जो कोर्ट फैसला करेगी हम उसके लिए हाजिर हैं। मैं ये बात, ये वजीरे कानून के ऊपर तो इस रिपोर्ट के अंदर जिम्मेदारी आयद हुई है ना सर, उससे तो आप डिनाई नहीं कर रहे। नहीं नहीं, वजीरे आला ने तो आयद होगी तो मैं छोड़ दूंगा, उन पे तो आयद नहीं हुई लेकिन वजीरे कानून पे तो हुई, रिजाइन करना चाहिए, उनको क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए सर, कहा हुई मुझे बताइए ना। ये इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि आखिर में उन्होंने कहा वजीरे कानून की सरबराई में, और उसमें बयान है, उस बयान के वजीरे कानून ने कहा, ये तौकीर शाह साहब का बयान है कि वजीरे कानून ने इस बैरियर को हटाने के लिए कहा और पूछा भी नहीं एडवोकेट जनरल से। हाँ फाइन बिल्कुल, तो क्या वजीरे कानून ने यह भी कहा था कि पुलिस वाले खुद जो कि उनका फैसला था जो उन्होंने मौके पर किया, खुदा का वास्ता भी तो फिर किसने कहा, ये कोई और साजिश थी आपके खिलाफ, ये कोई और साजिश है। कानून बीबी कानून पुलिस वालों को ये ताकत दे चुका है कि वो मौके पर खुद फैसला करके फायर करने का फैसला करें, इसीलिए तो हमने उनको गिरफ्तार किया था, उन्होंने कानून दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उन्होंने ये जज साहब ने नहीं कहा कि सनाउल्लाह साहब ने ये फैसला कर दिया था कि वहां पे जाओ और गोली चला दो। नो देयर का जवाब हो गया मुकम्मल, आपने सारी चीजों का जवाब दिया शफकत साहब। ये बात वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस अफसरान ने किया, पुलिस अफसरान को बेल मिल गई, उन्होंने ये किया था, उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद हो गई, वजीरे कानून पे वो कहते हैं जिम्मेदारी कहां से आई। अब आसमा इसके दो पहलू हैं, एक तो वकुआ हुआ, दूसरा कवर अप जो है, ये जो सारी बातें की जा रही है ये कवर अप है कि जी सडनली सारे लाइल्म हो गए, सारा मुद्दा पुलिस पे डाल दिया, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे पता, लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे पता, यानी कि ये जितने भी इनके सियासी काबरीन हैं उन्होंने सारा इल्जाम और सब कुछ जो भी है वो पुलिस पे डाल के होके बैठ गए। बात ये है कि इन्होंने मीटिंग करके इन्होंने हुक्म दिया, मैं थोड़ा सा समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलती है,
इन्होंने बार बार उनको फोर्स किया कि जाओ जाके करो वहां पे, सारे इलाके के सारे शहर के एसएचओज को बुलाया गया वहां पे, सारे शहर की फोर्स इकट्ठी की गई। ये सारी चीजें पॉलिटिकल डायरेक्शन के बगैर नहीं होती। लेकिन लेकिन शक्कर साहब ये भी बात तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि आखिर उनको पता था कि असलहा दूसरी तरफ में भी है, पता नहीं था क्या कि अगली तरफ से आगे से भी तो हमला किया गया ना, मतलब ये कोई वन साइडेड तो नहीं हुआ कि या पुलिस वाले अस्पताल में थे, एविडेंस एक एविडेंस नहीं है कि आगे से हमला किया, हॉस्पिटल किसने हमला किया, वो बेचारे पुलिस वाले हॉस्पिटलाइज हुए, उनको कत्ल कर दिया उनको 14, मैं हॉस्पिटल गया था उसके फौरन बाद 70 लोग वहां पे, जरा ज़हीम एक मिनट, अब आपकी बारी नहीं है मेरी बारी है। अच्छा, 70 लोग जो थे वो अस्पताल में जख्मी पड़े थे, मैंने खुद जाके देखा। ये इतनी बेदर्दी से इन्होंने मारा और ये अब सारी जो इल्जाम है पुलिस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। असल ये खुद एक वहां पे एक कुचलना चाहते थे कादरी साहब और उनकी जमात को और एग्जाम्पल बनाना चाहते थे और ये किलिंग जो है ये वहां पे। अच्छा चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ सर, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मैं फिर ब्रेक के बाद इस पे जरूर हम बात करेंगे कि जो कुछ भी हुआ था अब इसका जिम्मेदार कौन है, क्या वजीर कानून को, और फिर अब तो उनके अपनी जमात के जो 20 इस्तीफे पड़े हुए हमीदुद्दीन सियालवी साहब के पास, वो कहते हैं जी हम नहीं मानते, अब आपको इस्तीफा देना है राणा सनाउल्लाह का, वरना हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उन्होंने लार कर दिया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद पंजाब हुकूमत को कहां घुटने टेकने पड़ेंगे और कौन कौन से और मुआहदे करने पड़ेंगे इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, हम बात कर रहे हैं साने मॉडल टाउन रिपोर्ट जिसके ऊपर अब वजीर आला पे एक तरह से फिक्स नज़र आती है जो रिपोर्ट के अंदर जिम्मेदारी है, लेकिन उनका ये कहना है कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं हुई है। खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उससे उनसे भी उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन चांडियो साहब, ये आपको इतना सादा मामला नज़र आता है कि जितना ये रिपोर्ट का इस वक्त पे आना इलेक्शन से पहले और फिर मार्च तक चीज़ों का एक कहा जा रहा है ना, एक थ्योरी पेश की जा रही है, कल तो आपके लीडर ने भी कह दिया कि मैं एक अर्ज फौरी हो जाएंगे, पहले पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मजहब मुल्कों में कौमों में जिम्मेदारी तो आयद की जाती है, एक वजीर है दूसरा वजीर नहीं है कोई बात नहीं, नाहली की जिम्मेदारी किस पे आएगी, एक आधे घंटे के सफर मुफासले पे बैठे वजीर आला, सुबह तक उनको पता चले पूरी रिपोर्ट में भी पुलिस नहीं मान रही, कोई नहीं मान रहा, कोई तस्लीम नहीं, तो ये जिम्मेदारी किसकी आयद है? आप हमारे मुकाबले में खुलफाए राशिदीन का ले आते थे, भाई खलीफतुल मुस्लिमीन ने यूं कहा, आपको नहीं पता सैयदना उमर ने फिर क्या कहा कि अगर वो दजला किनारे पे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर जवाब देगा। आप हमारे मुकाबले में तो खुलफा और असाबियों को ले आते थे, आप जिम्मेदार हैं, सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है, इतनी दबंग हुकूमत है, दबंग वजीर आला है, उनके मर्जी के बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, इतने 14 आदमी शहीद हो गए हैं, आपको कुछ परवाह नहीं है, लातलुक बने बैठे हैं, चले मैं बांटता हूं अंदर से गोल, मासूम और ख्वातीन को जिस अंदाज से फायरिंग करके मारा गया है वो कौन सी मुकाबले में आ गई थी? एहतियात करना कुछ जुर्म है? जमहूरी हुकूमत है, सियासी हुकूमत है, बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए थी, आपने बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए और पुलिस को इतना अख्तियार दे दिया है, तो कहे ना पंजाब में पुलिस राज है, कहे ना नहीं है जमहूरियत, कहे ना नहीं है कोई इंतजामिया अदलिया, पुलिस को इतना अख्तियार है, कादरी साहब जैसे सियासी कारकुन कहे भाई वो पुलिस ने कैसे किया है, पुलिस को अख्तियार दिया गया है, अगर पुलिस जिम्मेदार है तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार, बिल्कुल बिल्कुल वजीर आला जिम्मेदार, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन खुर्रम साहब, अब आप लोग ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को नहीं जाने देंगे, कंटेनर भी तैयार करने का कादरी साहब ने कह दिया और धरने के लिए भी अपने कॉल दे दी है अपने लोगों को, तो आपको लगता है कि वजीर कानून जो है वो इस्तीफा दे देंगे और अगर वो नहीं देते तो धरना होगा, और धरना होगा तो क्या सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ आएंगे या लाहौर में रुकेंगे आप लोग? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम असल इशू की तरफ, जो मेरे भाई ने अभी पॉइंट आउट किया है, ये मुकम्मल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। आप रिपोर्ट का एक एक सफा पढ़े, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि 16 की मीटिंग में जब ये फैसला किया जा रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको तजावजात कहा गया, जो चीज लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच के ऑर्डर पे लगाई गई उसको वजीर कानून तजावजात कह रहा है, यानी कल अगर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की गाड़ी कहीं खड़ी हुई है तो ये कहेंगे कि ये तजावजात है ये जो उसका कार पार्क बनाया गया। ये
और फिर रिपोर्ट में लिखा है कि सारे जो मौजूद थे लोग, 16 के 16 लोग मीटिंग में मौजूद थे, उन सबको मालूम था कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वहां तजावज, वहां पे बैरियर्स लगाए जाएं। उसके बावजूद इन 16 लोगों ने फैसला किया कि वहां से बैरियर्स हटाए जाएंगे। दैट इटसेल्फ इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड दिस शोज कि पंजाब हुकूमत कानून की कितनी पासदारी करती है। आगे चलते हैं, इस रिपोर्ट में कहते हैं द लेवल ऑफ कोऑपरेशन इन डिगिंग आउट द ट्रूथ इज दैट नो पुलिस ऑफिसर from top to bottom, whether actively participated in the operation or not, did not utter a single word about the person under whose command the police resorted to firing upon the PAT worker. अब firing का order DSP के rank के officer से नीचे कोई दे ही नहीं सकता। जो अभी इन्होंने कहा है, पूरी पंजाब पुलिस में से वो DSP नहीं ढूंढा जा सकता जिसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, या वो डीएसपी या डीआईजी। अच्छा, ये क्लियर नहीं है तो क्या? आगे चलते हैं, एक जगह वो कहते हैं कि क्रिएटिंग सर्कमस्टांसेस टू थिंक दैट द पुलिस हैड टू अबाइड बाय द कमांड अनाउंस्ड सीक्रेटली और ओपनली टू अचीव द टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ इवन किलिंग द अनआर्म्ड बट प्रेशर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। दिस लेड द ट्राइब्यूनल टू से दैट दिस मोटिव of betrayal of law by the police aimed to bury the truth speaks volumes of their high-handedness. Not a single police officer has been punished because of this. After all, ये तो बिल्कुल गंडापुर साहब, ये तो आपके सारे सवाल बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब आपकी अगली कोई स्ट्रेटजी है कि मतलब अगर वजीर कानून इस्तीफा नहीं देते या यहाँ तक है कि वो इस्तीफा दे दें तो फिर क्या लायामल क्या है आपका? उसका इस तरह है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। आज पंजाब असेंबली में भी एक करारदाद पेश हुई है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और राणा सनाउल्ला दोनों इस्तीफा दें, उनके रेजिग्नेशन की डिमांड की गई है पंजाब असेंबली में। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद 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 इन एमपीएस की गैरत जाग जाए कि कातिल के खिलाफ वोट दें। उधर आपने देखा है पीर सियालवी साहब ने, हमारा तो उनसे कोई राबता नहीं है जी, उन्होंने तो कह दिया एमपीए है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 18 और मेंबर्स असेंबली के जो हैं, उन्होंने आपके सामने जाके पीर सियालवी साहब के सामने इस्तीफे पेश किए हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, लोगों को समझ आ गई है कि ये डूबती हुई किश्ती है पीएमएलएन, और जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ लटके रहेंगे वो मरेंगे आखिर, इस कश्ती में डूबेंगे। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है, काश, वो कहते हैं हाय उजूद पशेमा का पशेमा होना, बिल्कुल। इतने बड़े मोहतरम बड़े दोस्त हैं, 2014 में हम हुकूमत को नहीं गिराने गए थे, हम अपने कातिलों के खिलाफ गए थे एफआईआर कराने। अगर उस दिन पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी होती, छोटी सी पीपल्स पार्टी रोकने रही होती, बिल्कुल। लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ये सवाल मैं चांडियो साहब से बड़ी अदब से गुजारिश करूंगा, ये सवाल मैंने जरदारी साहब से डायरेक्टली पूछा था और ये शेर सुनाया था कि अलामा साहब का शेर है कि रोजे मैशर किस से खिदमत का सिला मांगोगे, कि आप जो है इबलीस से याराना भी करते हैं और मजलूम के साथ हमदर्दी भी करते हैं। बिल्कुल, तो आज अच्छा, अभी नहीं, कल तो उन्होंने इंडिया दे दिया है सर, वो कल तो उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं, और अब वो गो के उन्होंने कहा हम फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं करते, लेकिन हुकूमत शायद खुद ही उन्होंने कहा घुटने टेक देगी और इसका इशारा भी दिया। छोटी सी एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जैमकाई साहब मैं डायरेक्टली आपसे ही जवाब भी लूंगी और शफकत साहब के पास भी आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और शफकत साहब, आप खुर्रम साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब की, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से भी शिकवा है कि ये खड़े रहे, यानी उन्होंने तो नहीं कहा लेकिन मैं कह देती हूँ कि वो यजीद से भी मरासम हुसैन को भी सलाम वाला उसी तरह का उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि अब जो मामला है वो वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे पर भी ख़त्म होगा, तो आपको क्या लगता है सर, ये तो पीटीआई साथ देगी उनका? चौधरी शुजात से तो रबते हुए उनके। पहले तो बात यह है कि हमने आज बाज़ाब्ता तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा किया है, और वो इस्तीफे का मुतालबा हमने इसलिए किया है कि अगर आप बड़े गौर से सारी रिपोर्ट पढ़ें
तो इसमें जो सारा हाथ है या सारे इवेंट्स को जो डायरेक्ट करने वाला शख्स है वो चीफ मिनिस्टर है। और मेरी तो थ्योरी ये है, और ये थ्योरी इस रिपोर्ट से साबित होती है, कि ये जो रुकावटों का या बैरियर्स था ये बहाना था। असल मकसद तो गोलियां चलाना और एक खौफ और हरास की फिजा पैदा करना था, ताकि अवामी तहरीक जो है वो किसी हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल ना हो। तो ये एक ख़ास सोचे समझे मंसूबे के तहत था। मैं हम अवामी तहरीक के साथ खड़े हैं, और जो भी हम समझते हैं कि बहुत बहुत बड़ा सानिया है, बहुत और अगर कल को वो धरना देते हैं शफकत साहब, अगर वो धरना देते हैं या वो मार्च करते हैं दोबारा से, तो पीटीआई उनके साथ आएगी, खड़ी होगी? ये हमारी पार्टी बैठ के मुशावरत करेगी इस पे जब ये फैसला अवामी तहरीक की तरफ से होगा। अभी इसके बारे में मेरा कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इस मामले में हम अवामी तहरीक के साथ खड़े हैं। अच्छा, क्विकली मैं जन साहब, आपकी पार्टी आएगी? क्योंकि उन्होंने तो ताना भी दे दिया आपको कि भाई आप लोग उनके साथ भी, इनके साथ भी। मैं आपके पास आ रही हूँ जय भाई जी। मैं अच्छा झंडापुर साहब अच्छे इंसान हैं, दोस्त हैं, मैं उनकी इस बात पे तबसरा नहीं करता। किसका किरदार किस वक्त क्या हो जाता है मैं नहीं बता सकता। कल के जलसे के बाद तो आप कर सकते हैं सर। इसके अलावा भी जो उनका रवैया रहा है, जिस अंदाज से धरने भी दिए, खामोशी चले भी गए, मैं उन पर बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपकी हम बात कर रहे हैं, आप खाम खा का इस पर चल रहे हैं, लेकिन मैं सीधी बात यह है, हम किसी भी गैर जमहूरी तरीके से इस हुकूमत की तब्दीली के हामी नहीं है। अगर ये पहली बार किसी उंगली के इशारे के बगैर आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह, हम आपके दुआगू हैं। तो आपको लगता है कि उंगली के इशारे पे आएंगे? पहले तो उंगली का इशारा था, दोनों हजरात ने जो बोला, इन्होंने कफन पहन लिया, मैंने कहा अल्लाह साई ताहिरुल कादरी को जिंदगी अता फरमा, बहुत बड़ा आलम है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, तमाम मकतब फिक्र के बड़ा, लेकिन उन्होंने कफन पहना, फिर उंगली उठे, सूरज नहीं एम्पायर की उंगली उठेगी। अगर उंगली के बगैर, थर्ड एम्पायर के बगैर कोई जदोजहद है तो लोग उसको कबूल, लेकिन ये शुबा मौजूद है जहीम साहब के थर्ड, मतलब पीपल्स पार्टी ने तो ये कह दिया कि भाई थर्ड अगर नहीं आता एम्पायर इसके अंदर है, उसकी उंगली नहीं है, तो फिर तो हम साथ होंगे, अदरवाइज नहीं। कल भी इशारा दिया है कादरी साहब पीपल्स पार्टी ने, लेकिन नरम जुबान इमरान खान के खिलाफ भी रखी है और PMLN के खिलाफ भी रखी है, कोई गलत बात उन्होंने नहीं की कल के जलसे। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, यकीनन जरदारी साहब एक जीरक आदमी है, वो सियासत को समझते हैं, वो अच्छी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुल्क और कौम के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए बेहतर है। एक बात इस रिपोर्ट के हवाले से मैं करता चलूं कि बीबी, अगर कहीं हमें प्रॉब्लम होती ना कि ये रिपोर्ट हमारे लिए कोई जहर कातिल हो जाएगी और इसमें तमाम वो बातें तस्लीम कर ली जाएँ जो शफकत साहब कर रहे हैं या गंडापुर साहब ने की हैं, तो हम इसके लिए, हमारे पास मौका मौजूद था कि हम अगले लॉ कोर्स को इस्तेमाल करते। हम 30 दिन के बाद 29वें दिन सुप्रीम कोर्ट जाते और फिर 2-4-6 माह गुजार लेते और फिर जो फैसला आता उसको देखा जाता। हमने उसको इसलिए शाया कर दिया कि अब हम मजीद बगैर वजह के अपने आप को मलाइन नहीं कर सकते। चांडियो साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं सख्त बात नहीं कर सकता, मेरे बुजुर्ग हैं कि हुकूमत की नाहली और हुकूमतें नाहली कर जाती हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी, उसमें भी नाहली हुई, 14 लोग अमीर मुर्तजा भुट्टो जो पाकिस्तान का के सबसे बड़े लीडर का साहबजादा था, उसके साथ भी 18-20 लोग थे, वो क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, किसने गोली चलाने का हुक्म दिया, उसके बाद क्या शुएब सडल ने बताया, तो वो भी अभी ये भी उसी तरह का आपको लगता है साजिश, पॉलिटिकल ये उसी तरह की साजिश है, लेकिन यहाँ तो वजीर कानून ने खुद कहा क्यों नहीं हो सकती। हम सवाल तो यही सुन लेना, अगर उनके साथ मसलत कर रहे हैं, क्या आपने भी किया है? साहब की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल सकती है तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुर्तजा भुट्टो के केस में और हमारे केस में क्यों नहीं हो सकती? और क्या इस मुल्क में बैरियर हटाने का कानून एक बात में आप मेरी तो राय भी कमीशन की रिपोर्ट भी शाया एक बात सुन ले और हमूद रहमान कमीशन भी रिपोर्ट शाया कर हमूद रहमान को देखते हैं आपको, लेकिन हमारी बात सुन ले जरा, हमारी हमूद रहमान वाली बात में बताता हूँ आपको। असल बात यह है,
अगर सब रिपोर्ट शाया कीजिए। सर सर चांद साहब की बात तो सुन लें। अगर ऐसी बात है कबूल कर ले ना कि अगर वही कैफियत है तो अब आप बातें जो भी करेंगे। मियां शहबाज शरीफ ने खिताब किया पब्लिक में, अजी हम पर इल्जाम है कि पैसे लिए पैसे बनाए। हमने बनाए तो उन्होंने भी तो बनाए, उन्होंने भी तो बनाए। फिर कहो कि आप चोर हैं, आप अजी हम चोर हैं, वो भी तो चोर। ये तो जवाब है सियासी रहनुमाओं का, जवाब है। जवाब आप कहें आप बेगुनाह हैं, आप जवाब दे। नहीं कादरी साहब ऐसे नहीं होता है, जवाब दे। चोर नहीं वो भी तो चोर है, वो भी तो। ये क्या जवाब आप बोलते जाएंगे तो क्या खामोश हो जाता है नंदीपुर साहब की। अच्छा अच्छा चले चले। नहीं जिमका सब ठीक है, आप कहते हैं ये साजिश हुई थी, अपनी चोरी बहन साबित किया, आप सारे साबित चोर साबित करना चाहते हैं, हमारी एक चोरी साबित कर दे। अच्छा हमारी एक चोरी सियासी जवाब नहीं है जी। शफकत साहब आखिरी बात, सियासी जवाब नहीं है जी। शफकत साहब आप